तो आज की वीडियो में हम अंडर 20,000 बेस्ट कैमरा फोन में दो ऑप्शंस देख रहे हैं। एक है वीवो T3, दूसरा है आईकू Z9। दोनों ही एक तरीके से आप बोल सकते हो बहन भाई हैं, बिकॉज आईकू वीवो सेम ही चीज़ है, सेम कंपनी एक तरीके से आप समझ सकते हो। अब दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर कैमरा स्पेसिफिकेशन है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग है। तो दोनों में ही अंडर 20,000 आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता, जबकि कई कॉम्पिटेटिव ऑप्शंस में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फोटोज के सैंपल देखते हैं स्टैंडर्ड मोड में। अब एक चीज जो बहुत सिमिलर आपको लगेगी वो है कलर्स और लुक एंड फील। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि एक ही फोन से दोनों फोटोज ली गई हैं, बट ये दोनों फोन अलग हैं, एक तरफ वीवो एक तरफ आईको। तो प्रोसेसिंग बहुत सिमिलर है क्योंकि दोनों ही फोन एक तरीके से वीवो के हैं, बट कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, वीवो T3 में मुझे ज्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिले, फिर चाहे वो डायनामिक रेंज की हो, फिर चाहे वो कलर्स की हो या एक्सपोजर की हो। तो अगर मैं सेम जगह पे 8 से 10 फोटो ले रहा हूँ, चांसेस है वीवो T3 ज्यादा कंसिस्टेंटली मुझे बेटर आउटपुट देगा एज कम्पेयर टू आईकू Z9। उसके अलावा वीवो T3 एजेस में स्लाइटली शार्प है। अगर आप इन कई फोटोज में देखोगे एजेस की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो आईकू में स्लाइटली सॉफ्टनेस है, बट वीवो T3 सेंटर टू एज बढ़िया शार्पनेस मेंटेन कर रहा है। और अगर मैं ऑल ओवर फोटोज की शार्पनेस की बात करूँ तो भी वीवो T3 में ज्यादा बेटर शार्पनेस है। अगर आप एक दो फोटोज में यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊंगा तो स्लाइट डिफरेंस है, शायद आपको इतना ना दिखे, बट ज्यादा जूम इन करने पर वीवो आपको ज्यादा शार्प दिखेगा। इसके अलावा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट है, बट एक चीज़ जो मुझे दोनों में अच्छी नहीं लगी वो है डायनामिक रेंज। 20,000 की रेंज में कई फोन्स हैं, मैंने पहले भी कंपैरिजन करे हैं, इससे बेटर डायनामिक रेंज कई फोन्स का है, बट वीवो आईकू दोनों ही हाईलाइट्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं करते, इस वजह से डायनामिक रेंज उतना बढ़िया निकल के नहीं आता। बाकी आप प्राइमरी सेंसर को यूज करके 2x में भी फोटोज ले सकते हो, यहाँ पे आप कुछ सैंपल देख सकते हो। अगेन बहुत सिमिलर आउटपुट है, एकदम दोनों सेम फोटोज लग रही हैं, बस ये फर्क है कि वीवो में कंसिस्टेंसी ज्यादा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था। आईकू में कई बार फोटो थोड़ी सी ब्राइट आ जाती है, कई बार एक्सपोजर का वेरिएशन है, तो वो आईकू में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी रहती है। अदरवाइज दोनों ही 2x में बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर आप दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल मोड में जाके फोटोज ले सकते हो हाई रेजोल्यूशन। अगेन बहुत सिमिलर सा प्रोसेसिंग है, वही ऐसा लगेगा कि एक ही फोन से दोनों फोटो ली गई हैं। डायनामिक रेंज ठीक ठाक दोनों मैनेज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग अच्छी है, टाइम इतना ज्यादा नहीं लेते 50 मेगापिक्सल में फोटो लेने में। तो ऑल ओवर अगर आपको हाई रेज फोटो लेनी है, बाद में क्रॉप करना है, तो दोनों ही बढ़िया आउटपुट आपको दे देंगे। बट मेन जो चीज आती है वो है पोर्ट्रेट में। अंडर 20,000 आई थिंक ये दोनों ही आपको बढ़िया आउटपुट देते हैं। पहली चीज, दोनों का जो ब्लर इफेक्ट है बहुत नेचुरल है, एज डिटेक्शन इस बजट में काफी बढ़िया है। तो ऑल ओवर अगर आप पोर्ट्रेट ज्यादा लेने वाले हो तो आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। बस आईकू में मुझे एक चीज बेटर लगी कि पोर्ट्रेट में प्रोसेसिंग स्लाइटली बेटर है बैकग्राउंड की। अगर थोड़ा ब्राइट बैकग्राउंड है या थोड़ा आपको वेरिएशन दिखता है कॉन्ट्रास्ट का, तो आईकू स्लाइटली बेटर काम कर लेता है। इसके अलावा बाकी सेम चीज है, और दोनों में ही आप 2x में जाके भी पोर्ट्रेट ले सकते हो। अगेन मुझे बहुत सिमिलर रिजल्ट लगा, स्किन टोन दोनों की हल्की मैजेंटा साइड पे जाती है, बट ऑल ओवर 2x में बढ़िया आपको बैकग्राउंड सेपरेशन मिल जाता है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, क्लैरिटी अच्छी है, स्किन पे जो शार्पनेस एक रिक्वायर्ड लेवल होती है पोर्ट्रेट में, वो दोनों में बढ़िया मिल जाती है। देन अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो दोनों में ही सेम, ऑलमोस्ट सेम आपको मेगापिक्सल काउंट सब कुछ सेम मिलता है। साइड बाय साइड आप सैंपल्स देख सकते हो, अगेन काफी सिमिलैरिटीज हैं। बस मुझे ऐसा लगा कि सेल्फी में आईकू स्लाइटली शार्प है, इसके अलावा स्किन टोन सेम है। पोर्ट्रेट मोड में आप सेल्फी ले सकते हो, वहाँ भी आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। एकदम बढ़िया एज डिटेक्शन नहीं है, बट स्टिल काम चलाने वाली आप सेल्फी ले सकते हो। फिर लास्ट में फोटोज में आता है लो लाइट परफॉर्मेंस, जब शाम को या रात को हमने जो फोटोज ली हैं। पहली चीज, दोनों का ही लो लाइट काफी बढ़िया है, अंडर 20,000 वन द बेस्ट है, चाहिए वीवो T3 हो या आईकू Z9 हो। आउटपुट दोनों में सेम मिलेगा, नॉइस कंट्रोल अच्छा है, डायनामिक रेंज बढ़िया है, हाईलाइट्स को काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। बस ये एक मुझे चीज लगी कि अगर आप जूम करके 2x में फोटो लेते हो तो आईकू स्लाइटली बेटर है, बिकॉज इसका हाईलाइट कंट्रोल कई सिचुएशंस में बेटर हो जाता है। बट उसके अलावा अगर आप लो लाइट में दोनों सही फोटो लोगे, बढ़िया आउटपुट मिलेगा, ऐसा कोई मेजर दिक्कत शाम के टाइम या रात के टाइम आपको नहीं आएगी। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर
शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहां आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की है। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है, तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं ए टू जेड सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। तो अभी साइड बाय साइड वीडियो का कंपैरिजन है, वीवो T3 एक साइड पे है, एक साइड पे आपको आईक्यू Z9 का आउटपुट दिख जाएगा। अभी मैं इनडोर हूँ, तो जस्ट टू गिव अ फेयर आइडिया, अगर आप घर पे वीडियो बनाते हो, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो इससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि इनडोर कैसा आउटपुट रहेगा। ऑडियो साइड बाय साइड स्विच होता रहेगा, तो वो भी एक आपको आइडिया दे देगा कि अगर आप ब्लॉगिंग के लिए देख रहे हो कि ऑडियो किसका बेटर है, वो एक सही आइडिया देगा। और अभी एकदम एक्सट्रीम डायनामिक रेंज टेस्ट है, मैं शेड में हूँ, पीछे बहुत एकदम दोपहर का टाइम है, तो यहाँ से डायनामिक रेंज भी पता लग जाएगा कौन कैसे कैप्चर कर रहा है। एंड ऑब्वियसली इस तरीके से स्किन टोन किसकी ज़्यादा एक्यूरेट है वो देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर अब मैं अगर वीडियो की बात करूँ, अब यहाँ पे दोनों फ़ोन में एक दिक्कत है, वो है फोकस आउट होने की। ये मैंने दोनों के डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू में बोला था कि जैसे ही आप अगर स्काई की तरफ फ़ोन करोगे, वापस नीचे लेके आओगे ना, वीडियो आउट ऑफ फोकस चले जाती है। और ये दिक्कत और सीरियस हो जाती है जब आप 2x पे जाके वीडियो शूट करते हो, स्पेशली अगर आप स्लाइड चलते हुए भी वीडियो बना रहे हो ना, आप देख सकते हो वीडियो आउट ऑफ फोकस, फिर फोकस, फिर आउट ऑफ फोकस, तो फोकस हंट करता है जब फ़ोन थोड़ा सा शेक होता है, तो वो एक मेजर बग है दोनों में ही। शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर हो, अभी तक तो नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो डिसेंट वीडियो क्वालिटी है, 20,000 अगर आप पे कर रहे हो वीडियो के लिए, नॉट द बेस्ट कैमरा फोन्स वीडियो के लिए स्पेसिफिकली, अदरवाइज आप ठीक ठाक वीडियो अच्छी डायनामिक रेंज के साथ शूट कर सकते हो। फिर बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, अब लो लाइट फोटोज भी बढ़िया थी, मुझे वीडियो भी इसकी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जैसे ही लाइट कम होती है ना, नॉइस ये उतना ज़्यादा नहीं देता, कंट्रोल अच्छे करते हैं दोनों ही फोन्स अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, बिकॉज दोनों का सेम प्रोसेसिंग है, तो आपको डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा। लाइट अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, कलर्स अच्छे ले रहा है, कोई दोनों ही फोन्स में ऐसा कोई मेजर लो लाइट में मुझे इशू नहीं लगा। बस जो इशू है वो है आउट ऑफ फोकस होने वाला, स्पेशली 2x जूम जब आप करते हो। तो अब कंक्लूजन आता है कि दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। अगर आप वीडियो के लिए देख रहे हो, मैं बोलूंगा दोनों ही आप अवॉइड कर सकते हो, इससे और बेटर ऑप्शंस हैं, मैंने चैनल पे वीडियो डाली है, आप देख सकते हो फोन्स। फोटोज के लिए स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है वीवो T3 स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू आईक्यू Z9। आपके क्या व्यूज हैं आप कमेंट में बता सकते हो, आपको दोनों में से किसका आउटपुट बेटर लगा, एंड अगर और कोई कंपेरिजन चाहिए वो भी आप बता देना। आई विल ट्राई टू डू दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।